आज की टॉपिक है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितने भी नंबर हैं जिसकी हमें अरिथमेटिक मीन लेनी है उन सबको सम करके वो कितने वैल्यू हैं उससे डिवाइड करनी है। ऑब्जर्वेशन कितनी है उस वैल्यू से हमें उसको डिवाइड करना है। जैसे कि हमारे पास एक्स वन है, एक्स टू है, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, अप टू एक्स एन। तो हम कैसे करेंगे, इस सब को हम ऐड करेंगे एक्स वन। अच्छा, अरिथमेटिक मीन जी मीन की जो साइन है वो जिसको हम एवरेज करते हैं उसको अरिथमेटिक मीन को हम इससे शो करते हैं एक्स बार से। एक्स बार्स को हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर प्लस एक्स फाइव प्लस एक्स एन। अब इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वन टू थ्री फोर फाइव अप टू एन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन है तो एन से करेंगे। तो ये हो गया सबमिशन ऑफ एक्स ओवर एन। ये होगी फार्मूला। जितने भी नंबर होंगे वेरिएबल होंगे उन सबको ऐड करके वो कितने नंबर हैं उनसे डिवाइड करेंगे तो हमारे तो हमें अरिथमेटिक मीन मिल जाएगी। हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट्स सब्जेक्ट्स में मार्क्स लेता है, कोई भी स्टूडेंट एग्जांपल ले हमें एक स्टूडेंट सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट में 67 मार्क्स लेता है, दूसरे में 75 लेता है, 81 लेता है, 87 लेता है और 98। अब इसकी हमें एवरेज निकालनी है। एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है सबमिशन ऑफ एक्स टू द नंबर ऑफ दे। तो सबमिशन ऑफ एक्स कैसे करेंगे, एक्स पर ये हो गया 67, ये प्लस 75 प्लस 81 प्लस 87 ये प्लस 90। अब ये नंबर कितने हो गए, दो चार पाँच, ये नंबर पाँच हो गए। डिवाइड करेंगे पाँच से, ये ऐड करेंगे तो 400 होगा डिवाइडेड बाय पाँच डिवाइडेड बाय फाइव। अब इसको डिवाइड करेंगे 400 को 5 से तो 80 होगा, तो अरिथमेटिक 80 हो गई। ये अरिथमेटिक है और उसका एग्जांपल।